हेलो छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, टीईटी में आपका जो बाल विकास का चैप्टर है उसके अंतर्गत बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास का अधिगम से संबंध और बाल विकास के सिद्धांत, ऐसे ये चैप्टर इसके अंतर्गत हमें पढ़ना होते हैं। इन्हीं के अंतर्गत कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि वृद्धि और विकास से संबंधित, कि वृद्धि में निम्न में से क्या शामिल नहीं है, या वृद्धि में निम्न में से क्या शामिल है, या विकास में क्या शामिल है क्या नहीं है, इस टाइप से प्रश्न आता है, या वृद्धि हमेशा होती है, विकास हमेशा होता है, इस टाइप के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। यदि आप छात्रों कापी पेन उठा के जो हम बताते जाएंगे, यदि आप इन सबको लिखते जाओगे या अपना नोट्स बना लोगे, तो हमें लगता है इतने से ज्यादा हमने लगभग 15-16 अंतर यहाँ पर लिख रखे हैं। इतने से ज्यादा अंतर शायद आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और अन्य अंतर आप खुद से बना सकते हो यदि कितनी अवधारणा आपके दिमाग में विकसित हो जाती है। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या अंतर होता है। सबसे पहले जो हमने यहाँ लिख रखा है, अभिवृद्धि और वृद्धि एक ही बात होती है, विकास अलग बात होता है। अब यदि हम अभिवृद्धि को परिभाषित करें तो अभिवृद्धि का मतलब होता है कि शरीर के किसी भी व्यक्ति के शरीर की लंबाई चौड़ाई और वजन या भार में जो वृद्धि होती है, इसे हम अभिवृद्धि या वृद्धि कहते हैं। और जो विकास होता है, ये विकास में वृद्धि तो शामिल होती ही है, मतलब एक अंतर तो हम यही कह सकते हैं कि जो विकास है ये व्यापक चीज है, ये इससे बृहत चीज है अभिवृद्धि से, और जो अभिवृद्धि है ये संकुचित चीज है, क्योंकि जो अभिवृद्धि है इसमें केवल शारीरिक वृद्धि का अर्थ लिया जाता है, और जो विकास होता है इसमें शारीरिक वृद्धि के साथ साथ आपका जो यहाँ देखो हमने परिभाषा भी लिखी कि विकास का मतलब है वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक विकास में जो परिवर्तन होता है, और खासकर परिवर्तन मतलब उसके मानसिक विकास में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। फिर छात्रों यहां पर दूसरा जो अंतर लिखा है, वृद्धि केवल उन चीजों में होती है जो जन्म के समय विद्यमान थे, मतलब जैसे आपका शरीर है, आपका शरीर जन्म के समय उपस्थित था तो उसमें बस शारीरिक वृद्धि होगी, शरीर में वृद्धि होगी, जबकि विकास में वृद्धि शारीरिक तो होती है साथ में ऐसी चीजों में भी वृद्धि होती है जो जन्म के समय उसमें नहीं थे, जैसे जन्म के समय उसमें ज्ञान नहीं था, उसमें जन्म के समय बुद्धि नहीं थी, वो पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में नहीं जानता था, शैक्षिक विकास उसका नहीं हुआ था, तो इसमें इन चीजों में परिवर्तन नहीं होता। फिर यहाँ लिखा है अभिवृद्धि जो है ये गर्भावस्था से पूर्णावस्था तक चलती है। कभी कभी छात्रों यहाँ से प्रश्न आता है कि वृद्धि कब से प्रारंभ हो जाती है और कब तक चलती है, तो यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, गर्भावस्था से पूर्णावस्था तक, या कहते हैं गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, दोनों सही हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग ठहराया है, और ये किशोरावस्था लगभग 18 वर्ष तक की एज जो होती है, और पूर्णावस्था लगभग ये 24-25 वर्ष तक की एज को पूर्णावस्था कहते हैं। तो गर्भावस्था से पूर्णावस्था या गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वृद्धि होती है व्यक्तियों की, जबकि जो ये विकास है ये आजीवन चलता रहता है, ये सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है, विकास का कभी अंत नहीं होता, ये मृत्यु पर्यंत चलता रहता है विकास। क्योंकि छात्रों बच्चा जन्म लेने के बाद में जब तक वृद्ध होता रहता है तब तक निश्चित रूप से नई नई चीजों को वो सीखता रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि विकास आजीवन चलने वाला और सतत या लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो अभिवृद्धि है, ये अभिवृद्धि जो है ये विकास का ही संकुचित अर्थ है, जबकि जो विकास है ये विकास व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ संकुचित अर्थ का मतलब क्या है कि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक वृद्धि से अर्थ लगाया जाता है, और यहाँ विकास में उसके कई प्रकार के विकास आगे हम बताएंगे, उन सभी विकासों का अध्ययन किया जाता है शारीरिक वृद्धि के साथ साथ, इसलिए इसका व्यापक अर्थ है विकास का। फिर यहाँ लिखा है जो अभिवृद्धि होती है ये निश्चित दिशा में होती है, निश्चित दिशा मतलब जब हम विकास के सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे सीफेलोकोडल सिद्धांत है, अप्रॉक्सिमेट स्टाल सिद्धांत है, जैसे सीफेलोकोडल है, स्रोधामुखी मस्तपादुमुखी जिसको हम कहते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे विकास के सिद्धांतों में,
तो ये निश्चित होती है, मतलब जैसे सिर से पैर की ओर होती है या सुषुम्ना नाड़ी के से चालू होके पैरों पे समाप्त होती है, इस टाइप से विकास की दशा निश्चित होती है, जबकि सॉरी वृद्धि की दशा निश्चित होती है जबकि विकास की दशा निश्चित नहीं होती। विकास किसी भी दशा में हो सकता है, पहले व्यक्ति कई चीजों को सीख सकता है, बाद में कई अन्य चीजों को सीख सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अन्य चीजों को पहले सीखता है और दूसरी चीजों को बाद में सीखता है, कुछ भी आप यहां अंदाज लगा सकते हैं। इसके बाद में अभिवृद्धि को मापा जा सकता है, मापा मतलब मापा भी जा सकता है और तोला भी जा सकता है, जैसे आपकी शारीरिक लंबाई वृद्धि होती है तो उसे मापा जा सकता है, आपका वजन बढ़ रहा है लगातार तो फिर इसको तोला भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन विकास को मापा तोला नहीं जा सकता, विकास को महसूस किया जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। फिर यहां लिखा है जो हम यही तो बातें हम आपको बता रहे थे कि जो वृद्धि होती है ये केवल शारीरिक होती है, जबकि जो विकास होता है ये मानव के संपूर्ण पक्षों का, जैसे अपन पढ़ते हैं मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक विकास होता है, कई प्रकार से व्यक्तियों का विकास होता है, तो विकास में ये सभी पक्ष शामिल हो जाते हैं। फिर यहां हमने लिखा है कि जो अभिवृद्धि होती है ये मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक मतलब मात्रा वही हमने जो आपको कहा था कि इसे मापा जा सकता है, मात्रात्मक का मतलब ये है, और जो विकास होता है ये मात्रात्मक तो होता ही है, मतलब मापा जा सकता है, इसे कहने का मतलब मापा भी जा सकता है यहां विकास कई मामलों में, पर ये गुणात्मक होती है, मतलब विकास का मतलब है कि बच्चे के गुणों में लगातार वृद्धि होती जाती है। भाई मात्रात्मक ऐसे जैसे आप कहो कि कैसे, तो कोई हमने एग्जाम दिया था तो पहले उसमें हमारे 100 में से 60 अंक आए थे, बाद में हमने उस नॉलेज में संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि कर ली, वो 100 में से हमारे 90 अंक आए, मतलब ये इस प्रकार से हमने बताया था कि ये मात्रात्मक होता है। फिर यहां हमने लिखा है कि जो वृद्धि अभिवृद्धि होती है ये धनात्मक होती है, धनात्मक का मतलब ये है कि हमेशा शारीरिक पक्ष से ले रहे तो ये हमेशा इसमें वृद्धि होती रहती है शरीर में कुछ ना कुछ, जबकि यहां जो हमने लिखा है धन और ऋण विकास जो होता है ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है। धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो चलो आपने पहले कोई बहुत अच्छी चीज आपने सीख ली, बहुत ज्यादा नैतिक विकास आपका हो गया, सामाजिक विकास आपका हो गया, आपकी संगत धीरे धीरे बदल गई, आप निर्गुणी या दुर्गुणी व्यक्तियों के साथ में आ गए, तो आपके आपका जो विकास होगा जैसे हम कहें कि संज्ञानात्मक विकास होगा या नैतिक विकास होगा या सामाजिक विकास, उसमें कमी भी आ सकती है आपकी इस टाइप से। फिर यहां लिखा है कि अभिवृद्धि विशेष आयु तक होती है, अभी हमने बताया था यहाँ कि लगभग 20 से 25 वर्ष तक अभिवृद्धि होती है, लेकिन विकास कब तक चलता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब देखो शारीरिक वृद्धि, आप शारीरिक वृद्धि समझ लेना तो सब समझ जाओगे, अपने आप कई विशेषताएं और बन सकती है जो भले हमने यहां नहीं लिखी। जो अभिवृद्धि या वृद्धि होती है स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि चूंकि आंतरिक होता है वृद्धि, ये बाह्य होती है, वृद्धि बाह्य होती है और विकास कैसा होता है आंतरिक होता है, मतलब ये स्पष्ट दिखाई नहीं देता कि आपके अंदर आपने कौन कौन से गुणों का विकास कर लिया, आप क्या क्या सीख गए, ये दिखाई नहीं देता। वही ये लिखा है कि मूर्त, मूर्त का मतलब ये होता है कि जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो मूर्त कहलाती हैं। अमूर्त चीजें ऐसी होती हैं जिनका केवल हम अनुभव या कल्पना कर सकते हैं, हमें दिखाई नहीं देती, हम इनको छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है या नरक है, ऐसी चीजों के बारे में कल्पना करना या अमूर्त चीजें कहलाती हैं। फिर छात्रों हमने लिखा है कि अभिवृद्धि या जो वृद्धि होती है किस पर निर्भर करती है, तो छात्रों वृद्धि या अभिवृद्धि है ये केवल वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, मतलब आपके जो माता पिताओं की कदकाठी लंबाई वजन भार कैसा है उसी के अनुरूप आपकी कदकाठी लंबाई वजन नाक नक्शा हुलिया आदि आपका भी रहेगा, मतलब आपके माता पिता या दादा दादी के जो गुण होते हैं वो संतानों में आते चले जाते हैं मेंडल के नियम के अनुसार। आगे हम आपको बताएंगे मेंडल ने चूहों और मटर के दानों का कैसे प्रयोग किया, एक दिन हम समझा देंगे आपको, ठीक है ये। लेकिन हाँ हमेशा ऐसा नहीं होता, यहाँ जब हम बाल विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहां एक प्रतिगमन का सिद्धांत पढ़ेंगे, ये प्रतिगमन का सिद्धांत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता लंबे माता पिता के जो बच्चे हैं वो नाटे भी हो सकते हैं, होशियार माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, ये प्रतिगमन का नियम कहलाता है, आगे हम बताएंगे आपको। तो ये विकास कैसा होता है, अमूर्त होता है, इसे हम देख नहीं सकते केवल अनुभव कर सकते। फिर यहां लिखा है ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है विकास, वंशानुक्रम पे तो करेगा, आपके माता पिता के जीन्स जो थे वो तो आप में आ ही जाएंगे,
बाकी वातावरण में आपके आसपास के चारों ओर का माहौल, आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार परिवार वाले आपके कैसे हैं, उस पर भी ये निर्भर करता है विकास। जैसे एक ही माता पिता के कई बच्चे होते हैं, अब उनको कैसा माहौल मिलता है, तो एक बच्चा बहुत अच्छा बड़े पद पे पहुंच जाता है, बहुत तरक्की करता है, बाकी अन्य बच्चे नहीं कर पाते, ये सब वातावरण के कारण ही विकास संभव हो पाता है। फिर यहां लिखा है वृद्धि जो है शरीर के बाह्य स्वरूप पर निर्भर करती है या शरीर के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देता है, यहां शरीर के बाह्य और आंतरिक दोनों स्वरूप में परिवर्तन दिखाई देता है। आंतरिक का मतलब नॉलेज आपका, आप ले सकते हो। ये यहां वृद्धि की निश्चित दशा और सीमा दोनों होते हैं कि कब तक आपका शरीर वृद्धि करेगा, मतलब सीमा भी होती है दशा भी निश्चित होती है कि पहले आपके शरीर के कौन से हिस्सों की लंबाई बढ़ेगी, फिर कौन से हिस्सों की लंबाई बढ़ेगी। पहले आप बच्चा, जैसे हम कहते हैं कि सर्वधामुखी, मतलब पहले बच्चा जब छोटा सा होता है तो सिर उठाना सीखता है, फिर धीरे धीरे उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, इस टाइप से निश्चित दशा होती है। यहां दिशा और सीमा दोनों अनिश्चित होती है, किस व्यक्ति का विकास किस क्षेत्र में हो जाए, किस दिशा में हो जाए, कहां तक वो कब तक वो सीखता रहे, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, मतलब दिशा व सीमा दोनों अनिश्चित होते हैं। फिर यहां लिखा है कि अभिवृद्धि में, ये प्रश्न आया था छात्रों यहां से कि क्या शामिल नहीं है, इस टाइप से गुणों का विकास शामिल नहीं होता अभिवृद्धि में, जबकि यहां गुणों का विकास शामिल होता है। ये सब गुण ही तो है, संज्ञानात्मक, ज्ञान, नैतिक, सामाजिक, ये सब गुण ही तो है, ठीक है। फिर यहां लिखा है इसमें केवल रचनात्मक परिवर्तन होता है, और यहां रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक का मतलब ये होता है कि यहां हमेशा आपकी वृद्धि ही होती है शरीर में, लेकिन यहां कभी कभी क्या होता है इसमें विकास में, कि रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक मतलब ये तो चूंकि ये व्यापक अर्थ है तो ये वाले तो यहां रह नहीं है, लेकिन यहां विनाशात्मक परिवर्तन भी होते हैं। और आप विनाशात्मक परिवर्तन को कैसे माप सकते हो, वही हमने आपको बताया था कि कोई बच्चा है, पहले ये पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, बहुत टैलेंट टाइप का था, लेकिन जैसे जैसे इसकी संगति कुछ अन्य दुर्गुणी व्यक्तियों से होती गई तो इसका पतन होता गया। इसके सभी ये जो पक्ष हमने यहाँ लिखे हैं, ये सभी पक्षों का विनाश होता जाता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर हमने यहाँ लिखा है कि विकास विकास के बिना संभव नहीं है वृद्धि, विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है, ठीक है। एक अंतर हमने ये यहां लिखा है। वैसे ठीक है छात्रों, लगभग हमने आपको 16-17 अंतर यहां पर बता दिए, इसके आगे भी हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे जिसमें बाल विकास के सिद्धांत, बाल विकास का अधिगम से संबंध, और गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताएं, इनकी निकनेम, उपनाम, किसने किसको क्या कहा है आदि। छात्रों यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें छात्रों, आप क्या चाहते हैं हम कोई भी चैप्टर, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडोगोजी का हम आप बता सकते हैं। आप कमेंट में लिखें कि आप क्या चाहते हैं हम किस पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद।